इंदौर पुलिस ने टैंकरों से पेट्रोल डीजल चोरी करने वाले गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी टैंकरों में विशेष कंपार्टमेंट बनाकर हर महीने पेट्रोल पंप मालिकों को बड़ा चूना लगाते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 40 लाख कीमत के 60 टैंकर जब्त किए हैं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इंदौर की खुड़ेल थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने पेट्रोल डीजल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि खुड़ेल थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक संगठित गिरोह टैंकरों में एक विशेष कंपार्टमेंट बनाकर पेट्रोल डीजल चोरी कर पेट्रोल पंप मालिकों को चूना लगा रहा है। सूचना मिलते ही खुड़ेल थाना पुलिस ने एक टीम गठित कर मामले को जांच में लिया। पुलिस टीम को कंपेल रोड पर पेट्रोल पंप के पास एक टैंकर को रोककर चेकिंग की तो देखा कि टैंकर में 3 कंपार्टमेंट बने हैं, जिसमें एक छोटा कंपार्टमेंट 250 लीटर का बना था, जो कि एक वॉल के जरिए खुला और बंद किया जा सकता है। आरोपी डिपो से टैंकर भरते समय कंपार्टमेंट का वॉल खोल देते थे ताकि चोर कंपार्टमेंट में उसकी क्षमता अनुसार डीजल भर जाए, और जब पेट्रोल पंप पर डीजल खाली करते थे तो उस कंपार्टमेंट का वॉल बंद कर देते थे, जिससे कि उतना डीजल और पेट्रोल उसी में रह जाता था। थाना प्रभारी को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक पेट्रोल का टैंकर जिसका नंबर MP45H1055 है, वह प्रतीक पेट्रोल पंप कंपेल में खाली होने आ रहा है। इस पेट्रोल के टैंकर में इस तरह से व्यवस्था की गई है कि जब वो पेट्रोल पंप पर खाली होता है तो उसमें 200 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल वो चुरा लेते हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अपने जवानों को तैनात किया और जब टैंकर पेट्रोल पंप पर खाली हुआ तो उसके पश्चात उस टैंकर को पुलिस ने चेक किया। चेक करने पर ये पाया गया कि उसमें जो 3 कंपार्टमेंट होते हैं, उन कंपार्टमेंट के बीच में बड़े ही सातराना चालाकी के साथ एक पतला सा कंपार्टमेंट और बनाया गया है। जब पेट्रोल का टैंकर भरता है तब उसको लोहे की चाबी से खोल देते हैं, तो टैंकर भरने के साथ साथ वो एक छोटा सा कंपार्टमेंट है वो भी भर जाता है, और जब पेट्रोल के टैंकर को पेट्रोल पंप पर खाली करते हैं तब उसको बंद करके रखते हैं तो उसके कंपार्टमेंट में पेट्रोल बचा रहता है। फिलहाल पकड़े गए गिरोह के सदस्यों से पुलिस पूछताछ कर रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही अन्य खुलासे होने की उम्मीद है। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी बाजपाई की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।